हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम गुप्ता है और मैं नाईपुर अहमदाबाद में मेडिसिनल केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। तो एक क्वेरी थी, मतलब एक जूनियर ने मुझसे कल पूछा कि सर जो है हमको जीफेड नाईपर क्यों करना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि लोग बोल रहे थे कि उसके क्लास में कि इससे भी कुछ नहीं होगा और मतलब कुछ ज़्यादा काम का है नहीं। तो उसने कहा कि सर मैं तैयारी क्यों करूँ, तो मैंने कहा तो अच्छी बात है, तो उन्हीं से पूछो थोड़ा सा कि भाई तो उसके अलावा करें क्या। तो देखो मैं एक एक्चुअल मतलब बता रहा हूँ कि ऐसा तो मतलब मुझको भी लगता था कई टाइम प्रिपरेशन के समय कि भाई क्यों करना है तुमको प्रिपरेशन। मैं बीच बीच में मतलब मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था कि भाई प्रिपरेशन करना ही क्यों, मतलब क्या मिलेगा इससे, तो क्यों एम फार्मा करना। तो फिर मैंने मतलब जब मुझको जहाँ तक अभी तक एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं वही आपसे साथ शेयर करना चाहता हूँ कि फिर आपको करना क्यों। कि जैसे मतलब जैसा कि मैंने बी फार्मा में देखा कि वहाँ पे जो हम लोग का पैकेज है प्लेसमेंट, तो उसमें जैसे कंसल्टेंसी की कंपनी हो गई तो 4.5 लाख, और अगर कोई केवल एक एक कंपनी एक ऐसी रहेगी कि मतलब जिसमें आपका 5.5 लाख तक मतलब मैक्स टू मैक्स हम लोग का पैकेज गया था, तो उसमें भी केवल 2 बच्चों का हुआ था। और उसके बाद जितने भी टेक्निकल कंपनी है जैसे मैकलियर, ल्यूपिन, एलएमबी जो भी थे, तो उन सब में मतलब उतना पैकेज था ही नहीं। मतलब कितना था, लाइक 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, और वो भी उसमें ट्रेनिंग पीरियड भी लंबा था। तो अगर आप मतलब यहाँ पे आते हैं तो आपको एक दायरा मिलता है, मतलब आपका मतलब जैसे आप वहाँ पे 12,000, तो आप जैसे यहाँ पे आएंगे तो आपको जैसे लगेगा कि मतलब आप यहाँ पे कुछ उससे बड़ा भी मतलब सोचेंगे। तो जैसे क्या होता है कि अगर किसी ने 10 साल R&D में काम किया है विभाग बी फार्मा करके, और वैसे भी ये भी मतलब कई जगह मतलब मोस्ट प्रोफेबली यही चांस होता है कि बी फार्मा के बाद लोगों को R&D में बहुत कम ही मतलब चांसेस रहता है कि एडमिट जॉब मिलता है। लेकिन एम फार्मा के बाद आप R&D में आराम से मतलब जा सकते हैं। और उसके बाद जैसे क्या है कि अगर आपने बी फार्मा में रह के आपने किसी कंपनी में काम किया 10 साल, तो अगर आपने एम फार्मा करके काम किया 10 साल, तो फिर क्या होता है कि प्रमोशन किसको मिलेगा, प्रमोशन तो उसी को मिलेगा। लेकिन उसमें भी ऐसा जरूरी नहीं, मैं एकदम श्योरली नहीं बोल सकता है, क्योंकि क्या होता है कि परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एम फार्मा किए होंगे तो मतलब थोड़ा बहुत तो प्रिफरेंस तो मिलेगा ही, तो मतलब आप जान ही सकते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे और भी मतलब कई सारे वजह हैं आने के लिए, मतलब मैं यहीं पे नहीं, मतलब जो भी नाईपर हैं एम फार्मा मतलब जीपेड नाईपर क्यों करना। तो जैसे क्या है, जो डॉक्टर रेड्डी लैब है तो कंपनी आती है भाई 5.5 लाख का पैकेज देती है, टेक्निकल का जॉब है। और जैसे मतलब नो आर्टिस्ट हो गई तो आप वो उसमें भी जा सकते हैं, 5.5 लाख, 4.5 लाख, उस तरीके से पैकेज रहता है। और मतलब अगर आपको रिसर्च ओरिएंटेड है, मतलब आपको रिसर्च करना है किसी भी फील्ड में, डायबिटीज, कैंसर, न्यूरो, स्ट्रोक, माइग्रेन, तो उसके लिए आपको यही एक रास्ता है कि मतलब जिसके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे क्या हुआ, आपने एम फार्मा किया, फिर यहाँ पे आप रिसर्च PhD जो आपके यहाँ पे पोस्ट डॉक करके मतलब हमारे प्रोफेसर है जो पढ़ाते हैं, उनका अपना एरिया आप इंटरेस्ट होता है, उनके हिसाब से आप लोग प्रोजेक्ट करेंगे अपना, तो उसी हिसाब से आप अपने फील्ड का भी इंटरेस्ट बताएंगे उनसे, तो उसमें भी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो रिसर्च रिसर्च के लिए भी आपको मतलब ये जरूरी है कि मतलब आप एम फार्मा करें और जीपैट नाइपर का एग्जाम दें। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों का मतलब ये डाउट होता है कि करना क्यों है, तो फिर यही सब है। तो अब जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं 12 लाख का पैकेज, आप नाईपर मोहाली का देख लो, अगर आपको MBA भी फार्मा में करना तो आप भी मतलब नाईपर में अवेलेबल है। तो क्या है कि मोहाली में भी 12 लाख, 28 लाख, 12 लाख, 6 लाख, 8 लाख, जो भी मतलब पैकेज आता है जाता ही है। तो भाई इन सब के लिए करना है। और जैसे क्या है कि मोहाली में बहुत सारी कंपनियां भी आती हैं, जैसे एसेटिक्स के लिए भी, DRL भी आती है, और एनालिसिस के लिए भी आती है, तो उन सब के लिए मतलब आपको इसीलिए करना है, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी भी मुझको क्योंकि बहुत समय लगता है कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मुझको भी पता है अंदर ही अंदर कि ये इसका कुछ ना कुछ आउटपुट तो जरूर ही निकलेगा, अभी नहीं तो मतलब 10 साल बाद निकलेगा, ठीक है। तो अगर आप जीपर नाइपर करते हैं और आपको गवर्नमेंट खुद स्पॉन्सर कर रही है पैसे के लिए, तो फिर आप क्यों पीछे हटना चाहते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता था कि अभी जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग मतलब बताते, तो आप पूछो, लेकिन उनसे पूछो जो उस चीज को एक्चुअल में किए हैं, या फिर उन सब से बिल्कुल ही मत पूछो जो उन सब से मतलब उन सबको किए ही ना है, उनको उन सब चीजों को कोई एक्सपीरियंस ही ना हो। हाँ मैं मानता हूँ कि कुछ लोग जो है वे फार्मा के बाद एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, कोई कंपनी खोल लेता है, तो कोई मेडिकल स्टोर खोल लेता है, तो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है। तो पैसा कमाना मेन बात नहीं है, पैसा तो यार कोई भी कमा लेगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पे आने के बाद आपको एक क्या बोलते हैं कि मतलब पैसा ही नहीं होता ना जिंदगी में सब कुछ, तो कुछ ये सब भी मतलब जिंदगी का मजा भी है, और जो है
थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आने के बाद लगता है कि भाई हम लोगों ने सच में फार्मेसी में कुछ पढ़ा है, नहीं तो फिर भी फार्मा में तो ज़्यादा उतना नहीं कुछ मतलब रिसर्च ओरिएंटेड रहता कुछ। और यहाँ पे मतलब आपको प्रैक्टिकली मतलब 1 साल तक मतलब एक तरीके से समझ लो पूरा ट्रेंड ही किया जाता है कि मतलब यही सब है। तो फिर अगर आपको कोई और डाउट रहेगा तो यार कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और मुझको अभी आप लोग से बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जीपैट का एग्जाम हम लोग का नज़दीक, आप लोग का नज़दीक ही है, तो फिर मैं उनसे रिलेटेड बातें आपसे करता रहूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेंगे। थैंक यू।